सिम के जिमनी बलदियाती इंतखाबात में भी तीर चल गया। कराची में सदर की UC-13 के तमाम 17 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब 3,976 वोट लेकर UC चेयरमैन की नशे जीत गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुर्तजा वहाब की कामयाबी की तस्दीक कर दी। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के मुश्तरक उम्मीदवार नूरुल इस्लाम 1,566 वोट हासिल कर सके। जीत पर जियालों की जानिब से ढोल की थाप पर रक्स GA भुट्टो के नारे लगाए। तासुब और कीना परवरी वाली सियासत नहीं करेंगे, हमारी खिदमत के जवाब में लोग हमसे मोहब्बत दिखा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद बोले, आज मुखालफीन की जमानतें जब्त हो जाएंगी। उधर जमात इस्लामी सिंध के अमीर हुसैन ने कहा कि पिछली बार भी पीपल्स पार्टी ने मेयर की नशस्त पर डाका मारा था। नवाज शरीफ का सियासी कयादत से मुशावरत का फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम शुरू करने से पहले सियासी कयादत को जोहराने पर इकट्ठा करेंगे। आइंदा चंद रोज में नवाज शरीफ खुद सियासी रहनुमाओं से राबते करेंगे। सीनियर पार्टी रहनुमा और करीबी दोस्तों ने नवाज शरीफ को तमाम सियासी कुव्वतों को साथ बिठाने की तजवीज़ दी। साबिक वज़ीर आज़म सियासी कयादत के साथ मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू करेंगे। ज़ाती मुखालफत या सियासी इंतकाम न लेने के बयानिए पर भी मुशावरत होगी। कायद मुस्लिम लीग नून आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने के ख्वाहां, सबसे पहले मानसहरा में जलसा आम से खिताब करेंगे। और लाहौर में कबड्डी मुकाबले का तगड़ा जोड़। लाहौर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में लाहौर वाइट ने लाहौर ग्रीन को 13 पॉइंट से हरा दिया। लाहौर वाइट ने 37 और लाहौर ग्रीन ने 24 पॉइंट्स हासिल किए। शहरों की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए मौजूद थी। DG स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कामयाब टीम में इनाम तकसीम किए।